ऑप्शन डी था आपका 0.334 ग्राम। ठीक, ये आया था सीजी व्यापम WRDJEE 2022 के पेपर में। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, तो ब्लीचिंग पाउडर का क्वेश्चन ऐसा ही आता है एग्जाम में। चलो तो देखते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन, सिंपल है। ठीक है, व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटिंग 500 लीटर ऑफ वाटर। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है, 500 लीटर। क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है, 500 लीटर। ठीक, क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है, 500 लीटर, है ना। और क्लोरीन डिमांड ये आपका कितना है, 2 मिलीग्राम पर लीटर। समझ में आया, ठीक। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया है, बट आपको एक चीज समझनी होगी, आंसर यहाँ पे ग्राम पे दिया है और ये मिलीग्राम पे। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना है। चल तो सबसे पहले मैं निकालूंगा क्लोरीन क्वांटिटी, ठीक। क्लोरीन क्वांटिटी क्या होता है, वाटर क्वांटिटी इनटू क्लोरीन डिमांड। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर यानी 500 लीटर, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, क्लोरीन डिमांड से। समझ में आया, ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और किसको मल्टीप्लाई करना है, क्लोरीन डिमांड, ये कितना है, 2 मिलीग्राम पर L। L क्या होता है पता है ना, मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो ये मिलीग्राम पर लीटर है, समझ में आया, ठीक। ये क्या है, ये है आपका CD, क्लोरीन डिमांड। आप चाहो तो पूरा फॉर्मूला भी लिख सकते हो, जैसा आपको उचित लगे, ठीक। मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक। चलो तो CQ क्या होता है, क्लोरीन क्वांटिटी, 500 लीटर मल्टीप्लाइड बाय 2 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक, अच्छे से देखना, ये हो गया 500 L इंटू 2 मिलीग्राम पर L, मतलब नीचे मैंने समझाया था ना, पर लीटर मतलब क्या होता है, देखो मिलीग्राम पर लीटर का मतलब होता है मिलीग्राम डिवाइडेड बाय L, पर वर्ड कई बार आया हुआ है, पर का मतलब नीचे डिवाइड रहता है, ठीक है। तो मिलीग्राम पर लीटर का मतलब ही होता है मिलीग्राम डिवाइडेड बाय लीटर, उसको बोलते हैं मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो ये लीटर और ये लीटर तो कैंसल हो गया, तो क्लोरीन क्वांटिटी कितनी आई, 500 × 2, यानी ये हो गया 1000 मिलीग्राम, ठीक। बट क्वेश्चन में तो अगर आप देखोगे, ऑप्शन जितने भी दिए हैं वो सब ग्राम में दिए हैं, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो आपको पता है ना, एक ग्राम में कितना होता है, 1000 मिलीग्राम, ठीक है। एक ग्राम में कितना होता है, 1000 मिलीग्राम, ठीक। तो एक मिलीग्राम में कितना होगा, 1/1000 ग्राम, ठीक। समझ में आया, ठीक। तो मेरे को इसको चेंज करना है, तो CQ क्या होगा, 1000/1000, है ना भाई, 1 मिलीग्राम में 1/1000, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम, ठीक। ये कैंसल हुआ, तो CQ अपना कितना आया, 1 ग्राम, ठीक। अब ये तो अपना आंसर नहीं है, अभी अपने को निकला है क्लोरीन क्वांटिटी, अपने को निकालना क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कैसे निकालना है, ठीक। इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां तक का काम खत्म हो गया, ठीक। ध्यान से देखना, ठीक। इतना लिखने के बाद अगला आता है, तो CQ कितना है, 1 ग्राम, ठीक। अब यहां पे दिया गया है ये डाटा, इस डाटे का यूज लास्ट में होता है, क्या बोल रहा है, एज्यूम द ब्लीचिंग पाउडर हैज 30% ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, ये जो क्लोरीन क्वांटिटी है वो क्या है, 30% है पूरे ब्लीचिंग पाउडर की, ऐसा उसने मेंशन किया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एज्यूम ब्लीचिंग पाउडर हैज 30% ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, ठीक। ये क्लोरीन क्वांटिटी जो हमने निकाला है, भैया यही अवेलेबल क्लोरीन है, समझ में आया, ठीक है। क्लोरीन क्वांटिटी जो है वो वर्डिंग में बस खेल करता है, तो जो आपने क्लोरीन क्वांटिटी निकाली वही अवेलेबल क्लोरीन है। तो ये जो 1 ग्राम क्लोरीन आया,
ये ब्लीचिंग पाउडर का 30% है, बस इस चीज को याद रखना। तो 30% की वैल्यू कितनी है, 1 ग्राम। समझ में आया, 30% की वैल्यू कितनी है, 1 ग्राम, इसको याद रखना, ठीक है। हाँ, ठीक। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1/30 ग्राम, ठीक। समझ में आया, क्या बोला, 30% जो है वो आपका अवेलेबल क्लोरीन है, और क्लोरीन जो क्वांटिटी है वही अवेलेबल क्लोरीन कितना है, 1 ग्राम। तो ये 1 ग्राम जो है वो 30% के बराबर है, क्यों, क्योंकि 30% जो है वो अवेलेबल क्लोरीन है, मतलब ये जो 1 ग्राम क्लोरीन है वही अवेलेबल क्लोरीन है जो कि पूरे ब्लीचिंग पाउडर का 30% है। तो 30% की वैल्यू कितनी हुई, 1 ग्राम। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1/30 ग्राम, ठीक है। और 100% इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 1/30 × 100, ठीक। तो ये और ये कैंसिल, ये होगा 3.33, ठीक, ग्राम। समझ में आया, और कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन बी 3.340, मतलब नियर अबाउट 3.33, ये आपका आंसर था। और ये जो 100% है ना, यही होता है क्वांटिटी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अरे भैया, एक्चुअल वो ब्लीचिंग पाउडर ही रहता है, उसमें क्लोरीन डाला जाता है, तो 30% क्लोरीन डाला गया था, एक्चुअल वो है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन से मिलकर बनता है, ठीक है। तो अगर 30% क्लोरीन है तो एक्चुअल जो ब्लीचिंग पाउडर है वो पूरा 100% है। समझ में आया, मतलब यहां पे एक दिमाग में आ रहा होगा, सर 30% तो क्लोरीन है, 70% तो ब्लीचिंग पाउडर होगा। सर नहीं है बेटा, उसमें ब्लीचिंग पाउडर में 30% क्लोरीन डाला जाता है, बाकी जो रहता है वो कैल्शियम रहता है, ऑक्सीजन रहता है, इसलिए इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक। बट एक्चुअल में अगर आप ब्लीचिंग पाउडर को बोलोगे तो वो पूरा 100% रहता है। भाई ब्लीचिंग पाउडर में 30% क्लोरीन रहता है, कुछ परसेंट कैल्शियम रहता है, कुछ परसेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब भरा रहता है, ऑक्सीजन रहता है, तभी बनता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। समझ में आए, तो कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोरीन तीनों से मिलके ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो 30% क्लोरीन था, 1% की वैल्यू 1/30 ग्राम हुई, और ब्लीचिंग पाउडर जो है वो खुद ब खुद अपने आप में 100% है, क्यों, क्योंकि वो क्लोरीन कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ठीक। तो ब्लीचिंग पाउडर बिना क्लोरीन के नहीं होता, यह मत सोचना कि ब्लीचिंग पाउडर अलग होता है क्लोरीन अलग होता है, ऐसा नहीं, क्लोरीन से ही ब्लीचिंग पाउडर बनता है। समझ में आया, क्लोरीन उसका एक इंग्रेडिएंट है, जैसे कंक्रीट का इंग्रेडिएंट क्या होता है, सीमेंट एग्रीगेट, है ना भाई, वो सब उसके इंग्रेडिएंट है, बस ये बात। इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं लास्ट, है ना, इसको 70% समझ लेते हैं, 70 नहीं भाई, ब्लीचिंग पाउडर पूरा 100% होता है, ठीक। तो ये हमने किया, तो ये क्वेश्चन आया था जल संसाधन में, इससे बर्बाद क्वेश्चन क्या होगा, एकदम बेसिक सा न्यूमेरिकल था, फॉर्मूला बेस्ड, तो कुछ खास था नहीं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो एक दो बार लेक्चर को रिवाइंड कर लेना, इसको अच्छे समझ में आएगा। इस पॉइंट पर आपका क्लोरीनेशन टॉपिक कंप्लीट होता है, सारे ऑब्जेक्टिव पॉसिबल सब मैंने कवर करवा दिए, ठीक है। अगले वीडियो में अपन फिल्ट्रेशन देखेंगे, फिर अपन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, फिर अपन देखेंगे हाउस ड्रेनेज, और लास्ट में देखेंगे कलेक्शन एंड कन्वेयंस ऑफ सीवेज। थैंक यू।